दोस्तों EPS95 पेंशन से संबंधित एक लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रहा है और ये जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रहा है लोकसभा से। और अगर आप भी रेगुलर EPS95 पेंशन से संबंधित अपडेट पाना चाहते हैं, चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए चलते हैं अपडेट की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये जो अपडेट निकल के आ रहा है लोकसभा से, आप देख सकते हो भारत सरकार श्रम रोजगार मंत्रालय लोकसभा क्वेश्चन संख्या थी। लोकसभा में एक प्रश्न पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था, उसका जो संख्या थी वो थी 4601 यानी कि 4601। और ये सोमवार 23 मार्च 2020 को क्वेश्चन पूछा गया था और ये क्वेश्चन का सब्जेक्ट था PSU के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन। और ये जो 4601 जो क्वेश्चन पूछा गया था श्री संतोष पांडे जी के द्वारा पूछा गया था। उन्होंने इस क्वेश्चन में पूछा था, क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या EPS95 के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन की गणना का सूत्र क्या है और सेवानिवृत्ति की तिथि पर मूल वेतनमान क्या है। खै, क्या माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन की गणना निर्धारण करते समय मूल वेतन और महंगाई भत्ते को शामिल करने के लिए कोई आदेश जारी किया है? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गैर सरकार द्वारा उक्त आदेश के संदर्भ में क्या कार्रवाई की जा रही है? तो यहाँ पे देखिए उत्तर दिया गया है श्रम और रोजगार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री संतोष कुमार गंगवार जी के द्वारा। उन्होंने बताया है यहाँ पे कि कै कर्मचारी पेंशन स्कीम यानी कि EPS 1995 के अंतर्गत शामिल सदस्यों की मासिक पेंशन की गणना स्कीम के पैराग्राफ 12(2) से 12(7) और 12(7) कै में दिए गए प्रावधानों के अनुसार की जाती है। EPS 1995 के पैराग्राफ 12 के उप पैरा 2 के अनुसार मासिक पेंशन राशि की गणना निम्न रूप में की जाती है। सदस्य की मासिक पेंशन जैसे कि पेंशन योग्य वेतन और उसको मल्टीप्लाई पेंशन योग्य सेवा। पेंशन योग्य वेतन और पेंशन योग्य सेवा को EPS 1995 के पैराग्राफ क्रमशः 11 और पैराग्राफ 10 में परिभाषित किया गया है। EPS 1995 के अंतर्गत सार्वजनिक उपक्रमों PSU के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन की गणना करने के लिए अलग से सूत्र नहीं है। खै और गै, माननीय भारत के उच्चतम न्यायालय का ऐसा कोई आदेश नहीं है कि सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों PSU के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन की गणना नियत करते समय मूल वेतन और महंगाई भत्ते को शामिल किया जाए। तो फ्रेंड्स, ये एक लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रहा था EPS पेंशनर्स के लिए। EPS 95 पेंशन से संबंधित जो है लेटेस्ट अपडेट था। लोकसभा में क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर था 4601। और आपके साथ अपडेट शेयर करा और आगे जो भी कोई अपडेट आएगा, जो भी क्वेश्चन जो लोकसभा से आएगा या फिर जो भी सरकार की तरफ से EPFO की तरफ से अपडेट आएगा पेंशन से संबंधित, सारे अपडेट आपके साथ वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे। अगर आपको इसको पूरी डिटेल से अच्छी तरह से पढ़ना है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहां पे जाके आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं दोबारा से। तो चलिए मिलते हैं नए अपडेट के साथ।